नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। यूपी कांग्रेस विधायक दल की नेता बनी आराधना मिश्रा, कांग्रेस पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जारी किया पद। बांदा जेल से लखनऊ जा रहे मुख्तार अंसारी, मामले पर बेटे अब्बास ने अनहोनी की जताई आशंका, सरकार का किया घेरा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को फोन पर एक युवक ने अभद्र टिप्पणी की और जान से मारने की दी धमकी। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भाजपा की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी योगी की जोड़ी को कोई नहीं तोड़ सकता है। आज प्रमोद सावंत गोवा में, उन्होंने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, सीएम समेत 8 मंत्री भी उनके साथ शपथ ली। मायावती ने लिया बड़ा फैसला, अपने भतीजे आकाश आनंद को बनाया बहुजन समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जेलेंस्की ने कहा, पुतिन अगर शर्तों को मानते हैं तो हम शांति समझौते पर चर्चा के लिए तैयार हैं। अरुणाचल प्रदेश बना देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य, नहीं रहे राज्य में एक भी कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले। चीन में कोरोना संक्रमण से मचा हाहाकार, शंघाई शहर में फिर से लगाया गया लॉकडाउन। गुजरात टाइटंस ने मैच से पहले लिया बड़ा फैसला, फिरकी के जादूगर राशिद खान को मिली उपकप्तान की जिम्मेदारी। वहीं रुक करेंगे अब रिपोर्टर्स रिपोर्ट की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां हरदोई मार्ग स्थित बेनहर इंटरनेशनल स्कूल में सूफी संतों ने आपसी भाईचारा मोहब्बत बनाए रखने के लिए अपील की। उन्होंने एकजुट होकर उन्नाव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकार बंधुओं को बताया कि हम सब समाज के लिए काम कर रहे हैं और आपसी भाईचारा मोहब्बत अमन और चैन बढ़ाने का कार्य करेंगे, इसलिए हमारी एक अपनी कमेटी बनाई गई है। हम आपसी भाईचारे के लिए कार्य कर रहे हैं और इसको पूरा जरूर करेंगे। झांसी के विवाह गार्डन में यादव समाज के द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज के यादव समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। यादव समाज के लोग पिछले 7-8 सालों से यादव समाज का कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने बताया कि हम समाज की सेवा कर रहे हैं। क्या नाम सर आपका? रुस्तम सिंह यादव। आज यादव समाज का कार्यक्रम लगा हुआ है, इस कार्यक्रम के बारे में बताएं और ये कार्यक्रम कब से शुरू करा आपने? ये इसको 7 साल हो गए यादव समाज झांसी को, मैं इसमें अध्यक्ष पद पे हूँ और ये मेरे मुख्य प्रवक्ता है मुकेश यादव। तो हम सभी यादव लोगों का एक साथ में उठना बैठना हो जाता है, सहयोग रहता है, समाज के लोग वाग एक साथ में चाय पी लेते हैं और समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको हटाने का काम करते हैं। आज कौन सा कार्यक्रम है? आज ये होली मिलन समारोह है। ये होली मिलन समारोह तो आपने देखा होगा, कई बारे में पढ़ा भी लिखा सुना भी जाता है कि ये होली मिलन समारोह का मतलब ये होता है कि जो बुराइयाँ हैं उनको नष्ट किया है, आपस में प्रेम सद्भाव की तरह ज़िंदगी जीना चाहिए। तो हम यादव सभा को के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं सभी यादव भाइयों को, अपने साथ मिलजुल कर एक साथ उठना बैठना चाहिए। पिछले कितने समय से ये कार्यक्रम चल रहा है? ये 7 साल करीब हो गए इसको। अच्छा, आज आपके अपने समाज के यादव समाज के जी क्या संदेश देना? ये मैंने कहा ना कि सब लोग मिल के रहें, सब लोग जो जैसे मान लो एक दहेज प्रथा है इसको ख़त्म होना चाहिए, मृत्यु भोज है इसको भी ख़त्म होना चाहिए, गरीब लोग जो हैं उनके बच्चों को लालन पालन शिक्षा के बारे में कुछ याद। अभी एक हम लोगों ने एक बच्ची है एक नीलू यादव एक बच्ची है उनको हम लोगों ने 19,000 रुपये दिया था ये कोरोना काल में यादव समाज झांसी ने। जैसी जानकारी हुई कि स्थिति खराब है तो सब लोग पहुँच गए। सर क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश यादव, मड़ोरा कहते हैं सब लोग, मड़ोरा गाँव है हमारा। मैं इस यादव सभा झांसी का मुख्य प्रवक्ता हूँ। आज ये होली मिलन समारोह यादव सभा की ओर से किया जा रहा है। ये एक मिलन समारोह है, लेकिन एक हम संदेश देना चाहते हैं अपने यादव समाज को। जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं हमारे समाज में, चाहे उसको दहेज प्रथा के रूप में देखा जाए या मृत्यु भोज के रूप में देखा जाए,
इन कुरीतियों को कहीं ना कहीं ख़त्म करने का समय आ गया है और ज़रूरत है इसके लिए जागरूक करने के, समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है हमें कि इन कुरीतियों को समाप्त किया जाए। दहेज प्रथा के कारण कई घर आप देखते होंगे कि बर्बाद हो गए हैं और मुख्य हमारा उद्देश्य यही है कि समाज में व्याप्त इस दहेज प्रथा को सभी लोग नकार दें। इस कार्यक्रम में झांसी ज़िले में कितने लोग आपकी उपस्थिति हैं? झांसी ज़िले से लगभग आसपास जितने भी गांव हैं वहां से सैकड़ों की संख्या में लोग इस यादव सभा से जुड़े हुए हैं। आज जैसा कि आप देख रहे हैं महिलाएं, पुरुष कई लोग हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और हम धीरे धीरे हमारा ये यादव सभा झांसी ग्रुप बढ़ता जा रहा है और हमारा मुख्य उद्देश्य जैसे कि हमने आपको बताया है कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना है। थैंक यू, धन्यवाद। क्या नाम सर आपका? तो जिस तरीके से बताया कि यादव समाज के लोगों ने होली सम्मेलन का आयोजन किया जहां पर यादव समाज के कई लोग मौजूद रहे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि समाज की सेवा करते रहे। देवरिया के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के गोरखपुर देवरिया मार्ग पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक महिला को अज्ञात वाहन ने रौंद डाला और पीड़ित महिला घंटों वहां तड़पती रही लेकिन किसी भी जिम्मेदार की नजर उस पर पड़ी नहीं। वहीं गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर रह चुके और सपा से एमएलसी प्रत्याशी कपिल खान ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए पीड़ित महिला को लेकर चिकित्सालय पहुंचे जहां उन्होंने महिला का खुद ही उपचार किया। इस दौरान महिला की हालत बिगड़ती गई जिसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। तो देवरिया से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर गोरखपुर मार्ग पर एक महिला सड़क हादसे का शिकार हो गई। वहीं बताना चाहेंगे आपको कि गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर रह चुके और सपा से एमएलसी प्रत्याशी कफील खान ने मानवता की मिसाल यहां पर पेश की और पीड़ित महिला को लेकर वो चिकित्सालय पहुंचे जहां पर उन्होंने महिला का खुद ही इलाज किया और इस दौरान महिला की हालत भी बिगड़ती गई जिसे इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। तो देवरिया से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर रह चुके और सपा से एमएलसी प्रत्याशी कपिल खान ने यहां पर मानवता की मिसाल पेश की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शहबाज खान जुड़ चुके हैं। तो शहबाज आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले क्या कुछ पूरा मामला था। जी हम आपको बता दें जी कि डॉक्टर कपिल जो कि सपा से एमएलसी प्रत्याशी हैं जी देवरिया कुशीनगर से जी, वो पेशे से एक डॉक्टर भी हैं। आपको बता दें कि वो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जो ऑक्सीजन का मामला हुआ था जिसमें काफी बच्चे डेथ हुए थे तो उसी में उनको ही अरेस्ट किया गया था। तो वही डॉक्टर कपिल जो है रास्ते में जा रहे थे तो एक पुकार सुनाई दी तो अपना अपनी गाड़ी रोके देखे तो वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक महिला जो बुजुर्ग है और दो लोग और थे जो कि रोड पे पड़े थे तड़प रहे थे जी। उन्होंने गाड़ी रोका अपने ही गाड़ी से उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचाया जी देवरिया जी। और हम आपको और जानकारी दे दें कि वो खुद उनका ट्रीटमेंट भी किया उन्होंने जी। जी शहबाज आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी आपने बताया कि महिला का इलाज खुद डॉक्टर कपिल खान ने किया लेकिन जिस तरीके से उनकी हालत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक बनी हुई है जिसके चलते उन्हें गोरखपुर के अस्पताल में रेफर किया गया है। अब किस तरह की स्थिति जो है वो नजर आ रही है महिला की? जो है ट्रीटमेंट करने के बाद उनको गोरखपुर मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया है जी। और उनकी स्थिति जो है महिला है जिनका फ्रैक्चर हुआ था ज्यादा ब्लडिंग होने की वजह से उनकी हालत जो है थोड़ा सा सीरियस बताई जा रही है तो उसी पे उनको गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है जी। शहबाज उस महिला के साथ ही साथ क्या और लोग भी थे जो इस सड़क हादसे का शिकार हुए? जी शहबाज मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से महिला भी एक शामिल थी सड़क हादसे का जो हुआ लेकिन क्या उसमें कुछ और लोग भी शामिल थे?
जी जी, जैसे जैसी की जानकारी प्राप्त हुई है कि एक महिला है और दो लोग और हैं, ये क्लियर नहीं हो पाया है कि वो दो लोग कौन थे, कहाँ के थे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शहबाज खान जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि इस तरीके से गोरखपुर देवरिया मार्ग पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया, जहां पर एक महिला को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया और वो पीड़ित महिला वहां पर घंटों तड़पती रही, लेकिन किसी भी जिम्मेदार की नजर उस पर नहीं पड़ी। वहीं गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर रह चुके और सपा से MLC प्रत्याशी भी है कफील खान, जिन्होंने मानवता की मिसाल पेश की और पीड़ित महिला को लेकर वो चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर खुद उन्होंने उस महिला का इलाज किया। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि इस दौरान महिला की हालत काफी ज्यादा बिगड़ती नजर आई, जिसके बाद महिला को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां पर महिला का इलाज जारी है अभी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आगरा के राजा मंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही की मौत का दर्दनाक वीडियो इस सामने आया है और इस वीडियो ने सभी को हिलाकर रख दिया है। स्टेशन पर तैनात कांस्टेबल प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ था कि तभी वहां से मालगाड़ी गुजरी और इसी बीच अचानक कांस्टेबल की तबीयत बिगड़ने से वो गश खाकर ट्रेन के नीचे आ गया और इस घटना को देखकर पूरे स्टेशन में हड़कंप मच गया, लोग उस ओर दौड़ पड़े। ये पूरा वाकया वहां मौजूद CCTV में कैद हो गया है। वहीं बताना चाहेंगे कि GRP सिपाही की मौत से परिजनों में काफी ज्यादा कोहराम मचा हुआ है। तो आगरा से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर ये पूरी वारदात जो है CCTV कैमरे में लगी कैद हुई है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं जो पूरा घटनाक्रम है वो पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हुआ और इसका जो वीडियो है वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये मामला आगरा का है, जहां के राजा मंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही की मौत का ये दर्दनाक वीडियो सामने आया है। वही आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो ने सभी को हिला कर रख दिया है। स्टेशन पर तैनात कांस्टेबल प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ था कि तभी वहां से मालगाड़ी गुजरी और इसी बीच अचानक कांस्टेबल की तबीयत बिगड़ने से वो गश खाकर ट्रेन के नीचे आ गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हैदर अली जुड़ चुके हैं। तो हैदर, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से ये मामला पूरा सामने आया है, एक राजा मंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से ड्यूटी पर तैनात जो एक सिपाही था उसकी दर्दनाक मौत हुई है, जिसका वीडियो भी सामने आया है, और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इसको लेकर? अगर आपको आवाज मिल पा रही है मेरी, तो हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है हैदर से, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि ये पूरा मामला जो है वो आगरा से सामने आया है, जहां पर राजा मंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही की दर्दनाक मौत हुई है और इसका वीडियो आप देख सकते हैं, पास में लगे CCTV कैमरे में ये पूरी घटना जो है वो कैद हुई है, जिसके बाद से ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता हैदर अली जुड़ चुके हैं। हैदर, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है राजा मंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही की दर्दनाक मौत हुई है, क्या कुछ पूरा अपडेट मिल पा रहा है हैदर इसको लेकर? लीगल सिपाही है जो कि 2011 में UP पुलिस के अंदर तैनात हुए थे जी। ये 9:30 बजे का जो मामला है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 का मामला है जी। लीगल एकदम जो CCTV फुटेज में दिख रहा है, चक्कर खा के किस तरीके से ये ट्रेन के अंदर घुस गए और पीछे से एक TT भागता हुआ आया जी। और उनने शोर मचाया, पूरे स्टेशन पर हड़कंप मच गया जी। अब बिल्कुल हैदर, जो ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस तरीके से दर्दनाक मौत हुई है सिपाही की। लेकिन सवाल ये बड़ा है कि इसके बाद किस तरीके से जो प्रशासन है उसने एक्शन लेते हुए नजर आई है वो? इस मामले में मैम, हमने अधिकारियों से बात करने
बात करने की कोशिश करी, लेकिन अधिकारी कोई भी इस मामले में बात करने को तैयार नहीं है। हमने लगातार अधिकारियों से संपर्क बनाए, लेकिन इस मामले को लेकर सरासर अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं, कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। जी, लेकिन रेलवे प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा गया है इसको लेकर, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। करने की कोशिश की थी, उनसे पूछा भी था कि व्हीकल जब 2011 में जो तैनात थे, व्हीकल की कुछ दिमाग या चक्कर की कुछ प्रॉब्लम थी, उन्होंने साफ तौर से नकार दिया कि कुछ इनको बीमारी नहीं थी, लेकिन वीडियो में जिस तरीके से दिख रहा है कि वो गोल गोल चक्कर खा के जिस तरीके से ट्रेन में घुसे, तो ऐसा साफ साफ वीडियो में नजर आ रहा है जिस तरीके से उन्हें दौरा पड़ा है। बिल्कुल, क्योंकि अगर किसी भी सरकारी ड्यूटी के लिए एक मेडिकल जो होता है वो एक काफी ज्यादा अहम माना जाता है, लेकिन अगर किसी तरह की कोई समस्या अगर थी कांस्टेबल को, तो उसके बावजूद भी उसे ड्यूटी पर तैनात क्यों किया गया, ये एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करता है। इसी सवाल को लेके हम अपने टीम के साथ घड़ी घड़ी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर कोई ड्यूटी पर तैनात सिपाही कोई बीमार है तो उसको ड्यूटी पर तैनात नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, चलिए हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हैदर अली जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आगरा के राजा मंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जो ड्यूटी पर तैनात थे एक सिपाही, उनकी ये दर्दनाक मौत हुई, और इसका वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। और आपको बताना चाहेंगे कि स्टेशन पर तैनात कांस्टेबल प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ था कि तभी वहां से मालगाड़ी गुजरी, और इसी बीच अचानक कांस्टेबल की तबीयत बिगड़ गई और वो चक्कर खाकर ट्रेन के नीचे आ गया, और इस घटना को देखकर पूरे स्टेशन पर हड़कंप मच गया है, लोग उस ओर दौड़ पड़े। और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पूरा वाक्य है, जो पूरा घटनाक्रम है, वो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। लगातार आप वीडियो में भी देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरी घटना जो है वो घटित हुई है। वहीं सहारनपुर के थाना सदर क्षेत्र के मोहल्ला काजीपुर में पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद पति मौके से फरार हो गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों का यह कहना है कि पति ने पत्नी पर चाकू से वार किया। इस मौके पर लगातार जब सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, उसके बाद से लगातार पुलिस भी कार्रवाई में जुटी हुई है। और आपको बताना चाहेंगे कि मृतिका की बहन का यह कहना है कि आरोपी पति पिछले 4 दिनों से उन्हीं के घर पर रह रहा था और लगातार दहेज की मांग भी कर रहा था, लेकिन जब उसे दहेज में कुछ नहीं मिला तो आरोपी ने इस घटना को अंजाम दे डाला। आज थाना सदर बाजार के कोरी माजरा मोहल्ले में एक प्रियंका नाम की महिला, जिसकी उम्र करीब 20-22 साल होगी, अभी एक साल पहले उसकी शादी बिजनौर थामपुर में हुई थी, उसकी डेड बॉडी मिली है। उसके गले पर चोट के निशान है। छानबीन पे पाया गया कि उसके पति द्वारा ही उसकी हत्या की गई है। उसका पति 2 दिन से आया हुआ था और उसको ले जाने के लिए कह रहा था, तो वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। कुछ उनका आपस में विवाद हुआ है और कुछ उसके जो लड़की के घर वाले हैं, कुछ दहेज की बात भी बता रहे हैं, जिससे लेकर उनके बीच तनाव रहता था, उसको लेकर हत्या करना बताया है। हत्यारोपी जो उसका पति कृष्णा है, उसको आज आप लोग होली का पर्व मना। वहीं देवरिया में कांग्रेस कमेटी के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। युवा कांग्रेसियों के द्वारा जमकर रंग गुलाल उड़ाए गए। इस होली समारोह में मुख्य रूप से कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक मल और कांग्रेस प्रदेश महासचिव अमित पांडे मौजूद रहे। युवा कार्यकर्ताओं ने अपने विशेष अतिथियों का रंग अबीर गुलाल लगाकर जोरदार स्वागत किया और साथ ही उनका आशीर्वाद भी लिया। युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रभारी आलोक मल ने बताया कि होली का पर्व सामाजिक रूप से प्रसिद्ध त्यौहार है। इस पर्व में लोग एक दूसरे से गले मिलकर अपने गिले शिकवे दूर करते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाते हैं। आज आप लोग होली का पर्व मना रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों के बीच में? होली सामाजिक समरसता का एक त्यौहार है, जिसमें छोटे बड़े सभी लोग मिलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं, तो रंग लगाते हैं, दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। तो होली तो वही से सनातन संस्कृति में समरसता का संदेश अपने आप में है, हम लोग सामाजिक समरसता का ही। वहीं बहराइच में दूसरी शादी रचाने पहुंचे एक शख्स के अरमानों पर तब पानी फिर गया जब उसकी पहली पत्नी पुलिस के साथ वहां पहुंच गई। दूल्हे की बारात में निकाह से पहले जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद दूल्हे को पहली पत्नी के साथ कोतवाली जाना पड़ा, जहां पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दोनों की लड़ाई रुकी।
पहली पत्नी और दूल्हे के बीच साल 2019 से बहराइच दीवानी न्यायालय में कोर्ट केस चल रहा है। बहराइच से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर दूल्हे राजा के अरमानों पर पानी फिरता हुआ नजर आया और आपको बताना चाहेंगे कि शादी के मंडप से सीधे उठकर दूल्हे को थाने जाना पड़ा। दूल्हे की बारात में निकाह से पहले जमकर हंगामा देखने को मिला है और इसके बाद दूल्हे को पहली पत्नी के साथ कोतवाली जाना पड़ा, जहां पर पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दोनों की लड़ाई रुकी और पहली पत्नी और दूल्हे के बीच साल 2019 से बहराइच दीवानी न्यायालय में कोर्ट भी केस भी चल रहा था। तो बहराइच से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर ऐसा मामला सामने आया है जहां पर दूल्हे को मंडप से उठकर सीधा थाने जाना पड़ा। तो बहराइच में दूसरी शादी रचाने पहुंचे एक शख्स के अरमानों पर पानी फिरता हुआ नजर आया। दूल्हे की बारात में निकाह से पहले जमकर हंगामा देखने को मिला और बताना चाहेंगे कि दूल्हे को पहली पत्नी के साथ कोतवाली जाना पड़ा, जहां पर पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दोनों की लड़ाई रुकी और पहली पत्नी और दूल्हे के बीच साल 2019 से बहराइच दीवानी न्यायालय में कोर्ट केस चल रहा था। तो ये पूरा मामला बहराइच का हम आपको बता रहे हैं जहां पर दूल्हे की बारात में जमकर हंगामा देखने को मिला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजमल शाह जुड़ चुके हैं। तो अजमल, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले क्या कुछ पूरा मामला था जिसके चलते दूल्हे को मंडप से उठकर सीधे थाने जाना पड़ा। जी, मैं आपको बता दूं कि बलरामपुर से एक बारात आती है और बारातियों के साथ में दूल्हा मौजूद रहता है, शादी में शामिल होने आता है, पिछली शादी करने आता है और उसी बीच बारातियों के जो बाराती आते हैं वहां पर उनकी प्रक्रिया शुरू होती है खाने पीने की। और जैसे ही थोड़ी देर बीतता है बारातियों का यहाँ पर बहराइच में, और उसके बाद देखते ही देखते शादी के मंडप से सीधे दूल्हा और दूल्हा के साथ जितने बाराती होते हैं वो पहुंच जाते हैं थाने। क्योंकि मामला ये दूसरी शादी का था, दूसरी शादी रचाने पहुंचा था दूल्हा, जो कि बलरामपुर से बारात आई थी और बहराइच के खत्रीपुरा इलाके का ये मामला है। जी अजमल, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि पहली पत्नी और दूल्हे के बीच में साल 2019 से ही केस चल रहा था, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी रचाने पहुंचा था दूल्हा और पहली पत्नी के साथ पुलिस पहुंची। विवाह स्थल पर तो मच गया हंगामा। ऐसे में ये जानकारी निकल के आ रही है कि पहली पत्नी व दूल्हे के बीच 2019 में दीवानी में मामला चल रहा था और दूसरी शादी रचाने बहराइच में आया था, और जिसको देखते हुए पुलिस का मदद लेने के बाद में जो पहली पत्नी थी पुलिस के हस्तक्षेप के बाद ये जो दूल्हे की दूसरी शादी है वो रुकी गई। जी अजमल, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ पुलिस के द्वारा आगे की जो कार्रवाई है इस मामले को लेकर वो की गई है? जी अभी तक तो अधिकारी पुष्टि कुछ नहीं हो पा रही है क्योंकि मामला जो था वो सारे बारातियों को थाने ले जाया गया था, उसके बाद निश्चित रूप से उसकी शादी रुक गई और बहुत ही हंगामा मचा। ऐसे में निश्चित रूप से जब दीवानी में पहला मामला चल ही रहा है तो ऐसे में उनका दूसरी शादी रचाना एक बड़ा विषय बन रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजमल आपका। निश्चित रूप से कि बहराइच प्रशासन हो या तो बहराइच से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर ऐसा ये मामला जो है वो सामने निकल कर आया है जहां पर शादी के मंडप से दूल्हे को उठकर सीधे थाने पहुंचना पड़ा। आपको बताना चाहेंगे कि दूल्हे की बारात में निकाह से पहले जमकर हंगामा देखने को मिला और इसके बाद दूल्हे को पहली पत्नी के साथ कोतवाली जाना पड़ा, जहां पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दोनों की लड़ाई रुकी और पहली पत्नी और दूल्हे के बीच साल 2019 से बहराइच दीवानी न्यायालय कोर्ट केस भी चल रहा था। साहिबाबाद के शहीद नगर में उस समय कोहराम मच गया जब सुबह का सूरज निकलते ही शहीद नगर के बंगाली होटल पर भाई ने भाई के ऊपर चाकू से वार कर दिया। इसके चलते घायल भाई की मौके पर ही मौत हो गई। वही वार करने के बाद आरोपी मौके से भागने लगा, लेकिन लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी युवक नशे का आदी है और दिमाग से कमजोर है। खोजबीन के बाद सारा मामला प्रॉपर्टी का बताया जा रहा है। वहीं आरोपी की बहन ने बताया कि आरोपी नशे का आदी है और उसने नशे की हालत में ही भाई का कत्ल किया है। तो गाजियाबाद से आपको ये खबर बता रहे हैं और आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस पूछताछ में ये पता चला है कि आरोपी युवक नशे का आदी है और दिमाग से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। वहीं खोजबीन के बाद सारा मामला प्रॉपर्टी का बताया जा रहा है। वहीं आरोपी की बहन ने ये बताया है कि आरोपी नशे का आदी है और उसने नशे की हालत में ही अपने भाई का कत्ल कर डाला है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शहजाद खान जुड़ चुके हैं। तो शहजाद, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला था कि भाई ने भाई की हत्या कर दी, इसको लेकर क्या कुछ जो अपडेट है वो सामने आ रहा है? तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है अभी, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि शाहीबाबाद का ये पूरा मामला है जहां पर शहीद नगर में उस समय कोहराम मच गया जब सुबह का सूरज निकलते ही शहीद नगर के बंगाली होटल पर भाई ने भाई के ऊपर ही चाकुओं से वार किया, जिसके चलते घायल भाई की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हमला करने के बाद आरोपी मौके से भागने लगा, लेकिन लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। और एक बार फिर से हमारे साथ शहजाद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शहजाद, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है? मैम अभी मैं एक मिनट पूरी जानकारी देने के लिए रेडी हो जाऊं। शहजाद, आपको आवाज आ रही है मेरी? तो हमारा संपर्क शहजाद से नहीं हो पा रहा है, लेकिन खबर की ओर रुख कर लेते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि साहिबाबाद का ये पूरा मामला है जहां पर शहीद नगर में उस समय कोहराम मच गया जब सुबह का सूरज निकलते ही शहीद नगर के बंगाली होटल पर एक युवक ने अपने भाई के ऊपर ही चाकू से हमला कर दिया, जिसके चलते भाई गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं हमला करने के बाद आरोपी मौके से भागने लगा, लेकिन लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की पूछताछ में यह पता चला कि आरोपी युवक नशे का आदी है और दिमाग से भी कमजोर है। वहीं खोजबीन के बाद सारा मामला प्रॉपर्टी का बताया जा रहा है। आरोपी की बहन ने बताया कि आरोपी नशे का आदी है और उसने नशे की हालत में ही भाई का कत्ल कर दिया। वहीं बदायूं के उजानी में बालू खनन माफियाओं का काम जोरों से चल रहा है। ना तो उन्हें किसी प्रशासन का डर है और ना ही कानून का खौफ। साथ ही अधिकारियों की मिली भगत के चलते बालू खनन का अवैध कारोबार खुलेआम तेजी से चल रहा है। मामला थाना उजानी का है जहां कछला की ओर से आ रहे ट्रैक्टर को होमगार्डों ने रोका तो पैसे देकर आगे जाने की अनुमति दे दी। होमगार्ड भी पैसे लेकर बालू खनन कर देते हैं। जहां एक तरफ पैसे के लिए अधिकारी खनन माफियाओं के साथ मिल जाते हैं, तो वहीं आम जनता और किसान इन माफियाओं के डर से अपने ही जमीन पर अवैध खनन होते देखकर भी कुछ नहीं कर पाते। उजानी में बालू खनन माफियाओं का काम जोरों से यहां पर चल रहा है। तो बताना चाहेंगे कि अवैध खनन जो है लगातार जारी है। खनन माफियाओं को प्रशासन का कोई भी डर नहीं बचा है और ऐसे लगातार जो खबरें हैं वो सामने आती रहती हैं और लगातार ये साफ हो जाता है कि अधिकारियों की मिली भगत से ही लगातार जो बालू माफिया है वो धड़ल्ले से ये कारोबार करते हुए नजर आते हैं। तो कछला की ओर से आ रहे ट्रैक्टर को होमगार्डों ने रोका तो, लेकिन पैसे देकर आगे जाने की अनुमति भी उन्हें दे दी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। तो अमित, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार ये मामले सामने आते रहते हैं अवैध खनन के, लेकिन उसके बावजूद भी इन पर कोई लगाम लगती हुई नजर नहीं आती है? मैं
आवाज आ रही है आपको मेरी? तुम्हारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है अमित से, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि ये पूरा जो मामला है वो बदायूं का है, जहां पर उजानी में बालू खनन माफियाओं का जो काम है वो धड़ल्ले से जारी है। आपको बताना चाहेंगे कि ना तो इन माफियाओं को प्रशासन का कोई डर बचा है और ना ही अब कोई कानून का खौफ। साथ ही अधिकारियों की मिली भगत के चलते बालू खनन का जो अवैध कारोबार है वो खुलेआम तेजी के साथ चलता जा रहा है। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कसिया थाना क्षेत्र के कुंडवा गांव में जहरीली टॉफी से चार मासूम बच्चों की मौत के मामले में तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही रविवार को उन्हें जेल भी भेज दिया है। एसएसपी ने रविवार को पुलिस कार्यालय में इस घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 23 मार्च को कुंडवा गांव के निवासी ने थाने में नामजद तहरीर दी थी, जिसमें उनके चार बच्चों की घर के आंगन में फेंकी गई टॉफियां खा लेने से उनकी मौत हो गई थी। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीन कुंडवा निवासियों के खिलाफ हत्या की साजिश, जहर देकर मारने और धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया था। वह इस घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने तत्काल पुलिस की तीन टीमें गठित कर घटना का खुलासा करने का निर्देश दिया था। वहीं अब इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भी भेज दिया है। वहीं एसपी ने बताया कि पीड़ित के परिवार से पुरानी रंजिश के चलते ये साजिश रची गई, जिसमें चार मासूमों की जान चली गई। देखिए 23 मार्च 2022 को रास्ता जो है सीसई लठौर टोला में जो है चार बच्चों की टॉफी खाने के कारण मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें हमारी फॉरेंसिक टीम और जो है डॉग स्क्वाड गया मौके पे, और जो हमारा ह्यूमन ट्रैकर डॉग है उसके द्वारा जो है इसमें जो नामित अभियुक्त थे प्रेम, उसके घर को आइडेंटिफाई किया गया और वहाँ सर्च के बाद जो है तीन पन्नियों में जहरीला पदार्थ मिला और एक अटारी मिली जो कब्जे में फील्ड यूनिट द्वारा ली गई है। और इसमें वादी रसगुल्ला, जिसके तीन बच्चों की डेथ हुई, उसने उसके द्वारा प्रेम, बाला और चाबस तीनों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया। प्रेम का जो है रसगुल्ला के परिवार से पुरानी रंजिश चली आ रही है, 2014 में झोपड़ी जलाने का मुकदमा है, इसके अतिरिक्त कोर्ट में भी परिवाद है। इसके अतिरिक्त जो रसगुल्ला इसके वादी हैं, इनकी बहन मीरा की शादी इंद्रपति के यहाँ हुई थी और इंद्रपति जो मेन अभियुक्त है इसका प्रेम, उसकी सास है, उनके साथ भी इसकी रंजिश है। और लगभग डेढ़ दो वर्ष पहले जो है नवंबर 2019 में भी जो है वहाँ पे ऐसे ही संदिग्ध परिस्थितियों में चार बच्चों की डेथ हुई थी, और उसके तीन दिन बाद जो है उनके 15 बकरियों को भी प्रेम ने जो है जहर दे के मार डाला था, ऐसा उनके द्वारा इंद्रपति के द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया है। और इनकी पहले से इस्टेब्लिश रंजिश है, और घटना से दो दिन पहले इसके द्वारा प्रेम और दो अभियुक्तों द्वारा उनको धमकी दी गई थी कि जिस तरह इंद्रपति को हम निर्वंश कर दिए हैं उसी तरह तुम्हें भी कर देंगे। और घटना की सुबह भी घर के पास से तीनों को गुजरते हुए स्वयं वादी ने देखा था। इस प्रकार इस पूरे घटना में जो है इन तीनों अभियुक्तों की संलिप्तता पाई गई है, जिन्हें पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है और प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जा रही है। दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए।